हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया है, मस्त है। और अभी हम दोनों आए हैं सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए। हम दोनों बस चल चल के आए और अभी यहाँ पर बैठे हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। हम दोनों सुबह में निकले थे 6 बजे जैसे, मतलब 6 नहीं बजा था लेकिन अभी 6:46 हो रहा है गाइस। और हम दोनों थक गए हैं तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद जाएंगे रूम के लिए। बहुत मतलब ऐसे 15-20 मिनट जैसे बैठे रहे यहाँ पर और अभी हम दोनों चलते हैं, उसके बाद हम दोनों को नाश्ता बनाना है। और आज है गाइस सैटरडे, तो आज हम सॉरी गाइस आज है फ्राइडे, मुझे लगा इस सैटरडे है। अभी हम दोनों पहुंच चुके हैं रूम और अभी थोड़ा सा रूम का जो है साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों का जो है हम दोनों सोए थे ना, तो हम लोग तो बिछा ज़मीन में बिछा के सोते हैं तो उसको थोड़ा समेट लेते हैं, रूम को थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, उसके बाद ब्रश भी नहीं किया, उसके बाद ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए मैं साफ कर लेती हूँ पहले अपना रूम को। रूम का झाड़ू हो गया है, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखिए। और हम लोग का जो पोछा डंडा जो है टूट गया है, पोछा से ही मैं पोछा लगा रही हूँ, हाथ से लगाती लेकिन कपड़ा नहीं है ऐसे, ये देखिए हो गया अभी। और मैंने यहाँ पर हम लोगों का बिस्तर वगैरह जो बिस्तर लगाते हैं उसको यहाँ पर समेट दिए हैं। गर्मी लग गई मुझे, अभी फैन ऑन कर देती हूँ। अभी नाश्ता वगैरह सब हो गया है मेरा और मेरी सहेली भी अभी कर रही है। और अभी मैं नहीं नहाएंगे नहाने में, मतलब ऐसे दोपहर को नहाएंगे, अभी थोड़ा सा थोड़ी देर स्टडी करते हैं उसके बाद नहाएंगे। ऐसे तो अच्छा रहता है नहाने, मतलब नहाने के बाद स्टडी करना, लेकिन अभी लेट हो जाएगा तो मैंने सोचा पहले स्टडी कर लेते थोड़ी देर, उसके बाद नहा लेंगे। तो चलिए अपना काम शुरू कर लेते हैं। स्टडी कर ली है और स्टडी करते करते मुझे अभी नींद आ रही है, तो मैं अभी अपना कॉपी किताब को समेट देती हूँ, साइड में रख देती हूँ और अभी नहाएंगे। उसके बाद मतलब नहाने के बाद थोड़ा फुर्ती लगेगा, उसके बाद खाना वाना खा के उसके बाद फिर से स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं अभी नहा लेती हूँ। तो फाइनली नहाना धोना हो गया, कपड़ा वगैरह साफ कर लिए और अभी लंच करना बाकी है। मेरा हर हमेशा लेट हो जाता है, 1 बजे के बजाय 2 बजे हो जाता है। अभी टाइम भी हो रहे हैं गाइस, 2 बज गए होंगे शायद, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए 2 बजे तो हो गया होगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा और काफ़ी लेट हो गया, सब बहुत ज़्यादा अभी भूख लग रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है, यानी पता नहीं कहाँ से आते यहीं टाइम काटते रहते हैं मच्छर। तो चलिए मैंने अपने लिए खाना भी खाने के लिए लाए हैं और मेरी सहेली आज भी चली गई हर हमेशा, मतलब वो दोनों जल्दी जल्दी जाती है, मुझे अकेले छोड़ के चल जाती है, तो कोई बात नहीं उनका काम है कुछ तो इसी कारण भी, और आ जाएगी कल परसों क्योंकि आज फ्राइडे है और हर मतलब सैटरडे जो सैटरडे को जाती है या तो फ्राइडे को फिर संडे को आ जाती है, तो संडे तक आ जाएगी। और ये रहा मेरा खाना, देखिए ये आलू भुजिया और खाना। तो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ और अभी ऐसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है।
मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद मच्छर काट रहे बहुत ज़्यादा यहाँ पर, पता नहीं मच्छर कहाँ से आ जाते हैं। हम लोगों का मतलब एनी टाइम खिड़की खुला रहता है तो खिड़की से शायद घुस जाते हैं बड़ा बड़ा वाला, और अच्छा से मतलब ऐसे बैठे रहते हैं एनी टाइम काटते रहते हैं। और यहाँ पर ऐसे मच्छरदानी लगाने के लिए कुछ मतलब कहाँ लगाएंगे, ऐसे दीवार तो ऐसे पट्टी किया हुआ ना क्या किया हुआ पूरा प्लेन है, ऐसे अगर यहाँ पर कील अगर ठुकेंगे तो खराब हो जाएगा इसलिए। और अगर बेड रहता तो होता आराम से, और बेड भी नहीं है। खांसी हो गई है मुझे और अभी स्टडी करेंगे और क्या करेंगे ऐसे। कॉलेज हम लोग का फिलहाल अभी कॉलेज में क्लास नहीं चल रहा है, और मैं हम लोग का ट्यूशन में भी ऐसे मतलब हम लोग का कंप्लीट हो गया है जो सिलेबस है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है, ट्यूशन में कंप्लीट हो गया है और मैं अभी मतलब अपने से ही कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आगे वाला वीडियो में ज़्यादा मतलब गाइस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है मैंने देखा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा बोलने में मतलब कैसे बोलूँ कैसे नहीं डर लगता है, और गाइस वर्ड ज़्यादा यूज़ किए हैं वो अच्छा नहीं लग रहा उतना, लेकिन अभी ट्राई करेंगे अभी उतना ज़्यादा नहीं बोलने का और अच्छा से ब्लॉगिंग करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ज़्यादा ऐसे कुछ वर्ड मुझे नहीं आते हैं इसलिए मेरा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर मैं उतना अच्छा उतना स्पष्ट नहीं बोल पाती हूँ, तो कोई बात नहीं मैं जल्दी सीख जाऊँगी ऐसे अगर डेली ब्लॉग बनाऊँगी तो जल्दी सीख जाऊँगी। कहते हैं ना बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, तो ऐसे अगर मैं डेली बोलूँगी तो मैं भी आसानी से सीख जाऊँगी। तो चलिए लेट नहीं करते, मैं स्टडी कर लेती हूँ। मुझे जो अभी नींद आ रही है, मैंने बुक को बंद ना कॉपी किताब को बंद कर दिया, ये मोबाइल से पढ़ रही थी और अचानक मतलब मेरा आँख लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे एनी टाइम, मतलब सोने में खाने में सोने में पूरा एक्सपर्ट और पढ़ने में जीरो। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मैंने जो है आज अपना पूरा कपड़ा साफ किया है और इसको थोड़ा सा मैं इस्त्री करूँगी आयरन करूँगी, अभी करंट है नहीं तो चल जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाऊँगी, और इसको अच्छा से और मैं अपना कपड़ा को अच्छा से समेट के रख दूँगी, इधर उधर रख देते हैं। और दरवाज़ा जो है एनी टाइम जो है जैसे मतलब हवा दे रही है तो अपने आप खुल जा रही है और लग रही से भूत आ रहा है। तो फाइनली मैंने अपना सब कपड़ा को इस्त्री कर लिया है और अच्छा से समेट के मैंने एक जगह मैंने अभी नहीं रखा, मेरा जो बास्केट है वो टूट चुका है गाइस, और मेरी सहेली का है छोटा सा ये देखिए, ये उसमें अपना सब कपड़ा रखती है, लेकिन मैं अपना कहाँ रखूँ, मैं बैग में रख दूँगी, कल परसों मैं एक नया वाला बड़ा वाला लेकर आऊँगी सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं कल परसों अगर टाइम मिलेगा तो मैं बड़ा वाला उसमें सब मेरा कपड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे तरह से इसको आयरन कर लिया है और समेट के रख दिए हैं। तो आज का ब्लॉग को यही एंड करेंगे गाइस, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियो में नए हैं मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय गाइस।